नमस्कार, वेलकम टू मीनाक्षीज किचन। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। आज मैं शेयर करूंगी ज्वार के आटे की रोटी की रेसिपी। ये बहुत टेस्टी बनती है और हेल्दी नाश्ता है ये। तो मैंने यहाँ पर 1 कप ज्वार का आटा लिया है। 2 बड़े चम्मच हम लहसुन लेंगे। यहाँ पर मैंने हरी लहसुन ली है, हरा धनिया लिया है और 2 हरी मिर्च ली है बारीक कटी हुई। देसी घी लेंगे इसके लिए हम। नमक लेंगे टेस्ट के अकॉर्डिंग। 1/4 चम्मच लाल मिर्च पाउडर लेंगे और थोड़ा सा इसके लिए हम गुनगुना पानी लेंगे। तो आटा गूंथने के लिए इसके लिए हम गुनगुना पानी ही लेंगे। तो पहले आटे में हम सब कुछ मिला लेंगे, हरी लहसुन, धनिया और हरी मिर्च। एक बार हल्के हाथ से मिक्स कर लेंगे इसको। अब इसमें हम नमक और लाल मिर्च मिला देंगे। इसमें हम 2 छोटे चम्मच देसी घी डाल देंगे और इनको हम अच्छे से मिक्स कर देंगे। आप घी न डालना चाहें तो आप ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं। अच्छे से मिक्स करने के बाद इसमें हम पानी डालकर इसका नरम आटा गूंथ लेंगे। ये देखिए, मैंने आटा गूंथ के तैयार कर लिया है। एकदम नरम आटा लगाया है मैंने इसके लिए, क्योंकि इसको हम डायरेक्ट तवे पर ही बनाएंगे। तो यहाँ पर मैंने तवा रख दिया है गरम करने के लिए। तवे को मैं घी से ग्रीस कर रही हूँ। आप चाहें तो ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं। और इस तरीके से थोड़ी सी मोटी लोई लेंगे हम। इसको हल्के हाथ से दबाएंगे इस तरीके से। थोड़ा प्रेस करके इसको हम तवे पर डाल देंगे और हाथों में पानी लगाकर इसको हम फैलाते जाएंगे तवे पर ही। इस तरीके से हम फैलाते जाएंगे इसको हाथ में पानी लगाकर। पहले हम गैस को लो हीट पर रखेंगे। जब इसको हम पूरा फैला लेंगे तो हम गैस को मीडियम हीट पर कर देंगे और साइडों में थोड़ा सा घी डाल देंगे। जिस समय रोटी को हम फैलाएंगे उस समय हम ध्यान रखेंगे हमारे हाथ जल ना जाए। जब एक तरफ से पक जाए तो इसे हम पलट देंगे हल्के हाथ से इस तरीके से, और दूसरी तरफ से भी इसको हम पका लेंगे। और बीच बीच में इसके ऊपर हम घी डालते रहेंगे या ऊपर से लगाते रहेंगे। रोटी को हम स्लो टू मीडियम हीट पर ही पकाएंगे। तेज आंच पे करने से ही अंदर से कच्ची रह जाएगी और बाहर से पक जाएगी। दोनों तरफ से इसको अच्छे से सेक लेंगे। जब भी इसको पलटेंगे तो हल्के हाथ से ही पलटेंगे, नहीं तो ये टूट सकती है। रोटी हमारी सिक गई है अच्छे से। ये देखिए, इसे हम गर्मा गर्म परोसेंगे। ये देखिए, एकदम क्रिस्प और करारी बनी है। तो तैयार है हमारी ज्वार की रोटी। इसे आप दही के साथ या अचार के साथ खा सकते हैं, फिर ऐसे ही चाय के साथ। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को दबाएं ताकि आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे।